हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और आज हम बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो उस पर रिसर्च अभी भी चल रही है और वो टॉपिक है कैप्सूल इंडोस्कोपी। सो सबसे पहले कैप्सूल इंडोस्कोपी में एक वर्ड इंडोस्कोपी आता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। इंडोस्कोपी अ प्रोसीजर इन विच एन इंस्ट्रूमेंट इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी टू गिव अ व्यू ऑफ इंटरनल पार्ट। इंडोस्कोपिक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग पेशेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर को कैप्चर किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि पता चले कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम आया है, इसलिए इंडोस्कोपी किया जाता है। इंडोस्कोपी दो तरह का होता है, लोअर इंडोस्कोपी एंड अपर इंडोस्कोपी। लोअर के मतलब ये होता है कि जो लोअर पार्ट में जो भी ऑर्गन्स हैं उसको देखा जाता है, और अपर इंडोस्कोपी में ऊपर पार्ट में जो भी प्रॉब्लम आती हैं ऑर्गन्स में उसको चेक किया जाता है। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं। हमारा टॉपिक यहाँ पे कैप्सूल इंडोस्कोपी है। कैप्सूल इंडोस्कोपी भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को जो इंटरनल पार्ट का जो पिक्चर्स जो मॉनिटर पे दिखाया जाता है वो आखिर कैसे लिया जाता है। कैप्सूल इंडोस्कोपी में क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट है उसके इंटरनल में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे उसकी छोटी आंत है उसमें, या इंटरनल इंटेस्टाइन भी उसे कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बिना सर्जरी के ये मेथड किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, कोई पेशेंट अगर उसको इंटरनली किसी आंत उसके आंत में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है तो वो उसमें कोई भी यहाँ पे चीड़फाड़ नहीं किया जाएगा। सिंपली इसमें क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है उसको एक कैप्सूल खिलाया जाता है। कैप्सूल का मतलब ये कैप्सूल नॉर्मल कैप्सूल से अलग है, इसमें क्या होता है कैमरा लगे होते हैं, और जब पेशेंट इसको खाता है तो उसको स्वेलिंग करना होता है, एक तरह से स्वेल कर लेता है, और 8 घंटे बाद तो 8 घंटे तक उसके शरीर में यह कैप्सूल मूव करता है, और उसके बाद उसमें जो ये जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या होता है, एक तरह से कैमरा लगा होता है, तो वो इंटरनली जितने भी आर्गन हैं इनसाइड हमारे बॉडी में उस सबको कैप्चर कर लेता है, और वहाँ पे एक रिसीवर होता है वो सारी कैप्चर किए हुए फोटो को रिसीव करता है, और आउटसाइड में ट्रांसमीटर होता है वहाँ पे ट्रांसमिट करा देते हैं, और उसके बाद हम मॉनिटर पे चेक कर लेते हैं कि पेशेंट में किस पार्ट में प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ये तरीका है इसका, और आगे हम प्रैक्टिकली में कैसे ये वर्क करता है, इसमें क्या इनसाइड लगा होता उसको समझेंगे। तो कृपया आप पेशेंस बनाए रखें ताकि मैं अपने पूरे अच्छे से समझा सकूँ। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, और बट इसमें आपको डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैप्सूल जो होता है इंडोस्कोपी इज़ अ प्रोसेस दैट यूज अ टीनी वायरलेस कैमरा। जो इंडोस्कोपी जो प्रोसीजर जो कैप्सूल इंडोस्कोपी है उसके अंदर क्या होता है, कैमरा लगे होते हैं। वो कैमरा क्या करता है, टेक अ पिक्चर टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। जो डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उसका पिक्चर कैप्चर कर लेता है। तो इंडोस्कोपी इज अ कैमरा इनसाइड अ विटामिन साइज। वो जो कैमरा जो होता है जो कैप्सूल का जो साइज भी वैसे एक विटामिन की कैप्सूल जैसे ही ये दिखता है। और इस प्रेजेंटेशन में हम लोग उसके अब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे, उसके फीचर, इनसाइड कैप्सूल कैमरा, वर्किंग, यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड फ्यूचर कंक्लूजन के बारे में समझेंगे। अब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझें, पिल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय द गैब्रियल इडेन इन द ईयर ऑफ 2000। इमेजिन अ विटामिन पिल साइज कैमरा दैट यू डू ट्रेवल थ्रू द your body taking a picture helping to diagnosing a problem which a doctor previously would found through the surgery। पहले जो होता था कि सर्जरी के माध्यम से हम पता लगा पाते थे हमारे इंटरनली में कौन से पार्ट में दिक्कत है, बट इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से ये हुआ कि हम लोग उस कैप्सूल को खाएंगे, उसके बाद वो इंटरनली जो भी हमारे आर्गन से उसके पिक्चर रैंडमली क्लिक करेगा, उसके बाद उसकी जो कैमरा में जो फोटो क्लिक होती है वो ग्रीन मतलब वो एक तरह से काफ़ी हाई क्वालिटी की पिक्चर कैप्चर करता है। यह
और जो हमारा पील कैमरा है उसकी साइज की बात करें तो 10 mm का होता है, उसकी लेंथ 25 mm की होती है। और ये कितने घंटे तक चार्ज 8 आवर 8 घंटे तक ये मतलब उसकी चार्जिंग रह जाएगी। और प्रोसीजर की बात करें तो कैप्सूल स्वेल वाइड पेशेंट लाइक द कन्वेंशनल पील, इसमें सिंपली यही है कि इसका प्रोसीजर है लेने का कि उस जो हमारा कैप्सूल है उसको पेशेंट सिंपली पानी के माध्यम से लेगा और इट टेक अ इमेज ऑफ द प्रोवेल फॉरवर्ड टू द पेरिस्टेल लिस वायरलेस रिकॉर्डर। उसमें क्या होता है, एक रिकॉर्डर भी होता है जो वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। रिकॉर्ड वॉन अ बेल्ट रिसीव इमेज ट्रांसमिट बाय द पिल, एंड इसमें यहाँ पे जो भी कैप्चर किया इमेज रहेगा उस यहाँ पे रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर यहाँ पे हम स्क्रीन पे देख लेते हैं कि कौन सा इस इंटरनली हमारे क्या डिफेक्ट है, तो ये स्क्रीन पे हम चेक कर सकते हैं। और इमेज की बात करें तो ये कुछ ऐसे इमेज, ये इमेज उस पिल कैमरे द्वारा ही लिया गया है। और यहाँ पे क्या है, इमेज ऑब्टेन फ्रॉम द कैप्सूल, ये इमेज में ये दिखाया गया है कि जो हमारा इंटरनल जो लार्ज इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन होते हैं हमारे शरीर में जो स्टोमेज में होता है, जैसे हमारे ये जब पेशेंट ने उस दवा को लिया कैप्सूल को लिया तो वो धीरे धीरे वो मूव उसका मूवमेंट होता है। उसके बाद इसके इसमें कैमरा होता है तो हर एक पार्ट का वो फोटो क्लिक करते जाता है, अगर जिस पार्ट में डिफेक्ट होगा प्रॉब्लम होगा तो वो स्क्रीन पे मॉनिटर होती रहती है इनसाइड कैप्सूल कैमरा। और आखिर ये कैप्सूल कैमरा के अंदर होता क्या है कि वो हमारे जो भी इंटरनल पार्ट हैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। तो सबसे पहले इसमें 8 सेक्शन होते हैं, जो पहला सेक्शन होता है ऑप्टिकल डोम का होता है, दूसरा होता है लेंस होल्डर, लेंस एंड एलईडी लगी होती है, सीमॉस इमेज सेंसर होता है, बैटरी होती है, ट्रांसमीटर और एंटीना होता है, ये उसका प्रोसीजर। ये ऑप्टिकल डोम है जो पहला पार्ट मैंने बताया, ये उसकी इसमें फ्रंट पार्ट ऑफ द कैप्सूल, ये फ्रंट पार्ट होता है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए मैं इसको, ये आप लोग इसको देख के भी समझ सकते हैं। और लेंस होल्डर होता है, लेंस होता है, फोर्थ एलईडी लगी होती है फोर्थ पार्ट में, सीमोस इमेज सेंसर होता है। इसमें क्या होता है, सीमोस इमेज सेंसर क्या करता है, एक तरह से डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट स्मॉलर एज 0.1 mm, बहुत ही स्मॉल जो साइज होता है उसको भी ये कैप्चर करने में मदद करता है। बैटरी लगी होती है उसके अंदर, जो जो हम लोग पील कैमरा, जो पील जो हमारा दवा है उसके अंदर एक तरह से कैमरा लगा होता है, सिंपल वर्ड में कहें तो। यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा होता है और यहाँ पे एंटीना लगी होती है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ पील कैमरा में क्या क्या होता है। तो ये हमारा ये प्रैक्टिकली में कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या, एक पेशेंट है जिसको इंटरनली पेट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पील कैमरा जो कैप्सूल है उसको दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद ये बाहरी ये जो दिख रहा है ये सेंसर लगे हैं और यहाँ पे एक बेल्ट लगाया जाता है। तो बेल्ट में क्या होता है, एक तरह से रिसीवर होता है, यहाँ पे जितने भी फोटो इनसाइड कैप्चर होगी यहाँ पे इस यहाँ से क्या होता है, डॉक्टर यहाँ पे मॉनिटर स्क्रीन होता है, उसके बाद यहाँ से जितने पिक्चर कैप्चर होती हैं वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करा देते हैं। तो यहाँ से जितने भी डेटा रिकॉर्ड हुई है यहाँ पे कैमरा इसके अंदर जो कैप्सूल के माध्यम से पेशेंट ने लिया है यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड हुई, उसके बाद ये कंप्यूटर पे मॉनिटर हो गया। वर्किंग की बात करें तो पील कैमरा ही को ही हम लोग कैप्सूल इंडोस्कोपी भी कहते हैं, जो मेरा जो हमारा टाइटल था कैप्सूल इंडोस्कोपी, उसका दूसरा नाम पील कैमरा होता है। तो यह कुछ ऐसे प्रैक्टिकली में दिखता है। और यह हाउ डज इट वर्क, इसके अंदर एक ट्रांसमीटर मैंने बताया कि आप इसके अंदर एक ट्रांसमीटर भी लोगे होते हैं, तो ट्रांसमीटर का कुछ ऐसे पार्ट होता है जैसे सीमॉस लगा है, लोकल ऑसिलेटर, फिर रैम और एंटीना, एंटीना पार्ट पे हमारा रिसीव कर लेते हैं, रिसीवर साइड में ऐसे ही होता है। तो अगर यूज की बात करें तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये सारी उसकी यूज हो गई।
और एडवांटेज एडवांटेज की सबसे बड़ी बात है कि अगर हम नॉर्मल इंडोस्कोपी करते तो उसमें क्या होता है कि जो अगर हम लोग सर्जरी सर्जरी के माध्यम से हम लोग इंटरनली पार्ट में जो भी दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करते तो जो पेशेंट है उसको काफ़ी पेन महसूस होता है, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो जाहिर सी बात उसे दर्द होगा। तो अगर हम लोग पील कैमरा की बात करें तो उसमें पेनलेस हो जाएगा, उस पेशेंट को दर्द नहीं होगा, और एक तो स्मॉल साइज होता है और जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में काफ़ी घंटों नहीं रहना पड़ेगा, और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। पर कोई भी चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही एग्जिस्ट करता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो पील कैमरा सभी की बात बस की बात नहीं है, क्योंकि ये महंगा होता है, और जैसे नॉर्मल हम लोग जब डायग्नोसिस कराते हैं तो कम से कम 500 के अंदर तो इंटरनल का डायग्नोसिस हो जाता है, बट अगर इसकी बात करें कि पील कैमरा की बात करें तो ये लगभग 30,000 खर्चा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग जो एक बार यूज कर लिए वो दोबारा नहीं यूज कर पाएंगे, जो कैप्सूल हमने यूज कर लिया वो दोबारा नहीं यूजबल हो पाता है, और नॉट रीयूजबल, वेरी एक्सपेंसिव एंड इम्पॉसिबल टू कंट्रोल द कैमरा बिहेवियर। ऐसे ही यहाँ पे मैंने इसको एक कंक्लूड कर दिया है कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं, कि इसी चीज़ को मैंने फिर से समझा, हार्मलेस मटेरियल होता है, एडवांटेज इसका है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई साइड इफेक्ट हो या कोई प्रॉब्लम आएगी उसको, पील कैमरा सिंपली कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं करता है। पर सबसे बड़ी अगर इसकी बात करें तो चैलेंजेस हमारे हैं, उस पर एक्सपेंसिव है। और फ्यूचर स्कोप की बात करें तो जूमिंग एंड ऑटो फोकस के लिए रिड्यूस इन साइज एंड कॉस्ट इफेक्टिव एंड लॉन्गर बैटरी लाइफ। कंक्लूजन में यही समझ में आया कि जो पील कैमरा है, द ब्राइट फ्यूचर विच हेल्प द डॉक्टर टू डायग्नोसिस द स्टोमच रिलेटेड डिजीज मोर इजली। इससे पहले क्या होता है कि जो हमारे पेट में कोई दिक्कत आती थी तो काफ़ी टाइम लग जाता था उसको डिटेक्ट करने में, हमारा किस पार्ट में दिक्कत है, और पेशेंट को भी बेड रेस्ट लेना पड़ता था और काफ़ी समय देना पड़ता। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरह से डॉक्टर को भी समय बचा और पेशेंट का भी, और ये है इजली उसका डायग्नोसिस हो गया। तो एक पेशेंट तो यही चाहता है कि उसका जल्दी से उसका इलाज हो पाए। तो सम स्टेप नीड टू टेकन ओवरकम, और बहुत सारे स्टेप जो हैं हम उसे ओवरकम करने की ज़रूरत है। जैसे और एट लास्ट गिवन इंडोस्कोपी इज कैप्सूल इज अ प्राइमरी कॉन्सेप्ट इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द 21st सेंचुरी। इस सेंचुरी की अगर